नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूं नीरज कुमार। वक्त हो गया है आज के ताजातरीन खबरों का। आज है विश्व छात्र दिवस, जो हर साल 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह दिन पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के जन्मदिन के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। उत्तराखंड इन्वेस्टर समिट के लिए उत्तराखंड के CM पुष्कर सिंह धामी आज करेंगे दुबई का दौरा, जहां दुबई और अबुधाबी में उद्योगपतियों से मुलाकात कर समिट में शामिल होने के लिए आमंत्रित करेंगे। एप्पल की फेस्टिवल सेल आज से शुरू हो रही है। इस सेल में आईफोन्स, मैक, एयरपॉड और आईपैड सहित एप्पल उत्पादों के कई प्रोडक्ट्स पर छूट मिलने की उम्मीद है। आज से शारदीय नवरात्र शुरू होने जा रहा है, जहां आज प्रथम दिन मां शैलपुत्री की पूजा होगी। वहीं 22 अक्टूबर को महाअष्टमी और 23 अक्टूबर को महानवमी पूजा होगा, जबकि 24 अक्टूबर को दशहरा के अवसर पर रावण दहन होगा। छत्तीसगढ़ में आज जारी होगी कांग्रेस की पहली सूची। CM भूपेश बघेल बोले, महिलाओं को मिलेंगे ज्यादा टिकट। मध्य प्रदेश के पूर्व CM कमलनाथ ने कहा है कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवारों की पहली सूची आज जारी करेगी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस न्यूज को लाइक और कमेंट नहीं किया है तो प्लीज लाइक और कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट का मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ। और जैसा कि आपको पता है कि कमेंट करने वाले लोगों के नाम हम न्यूज के लास्ट में बताते हैं, इसलिए न्यूज को लास्ट तक जरूर देखिए। उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ शारदीय नवरात्रि के पहले दिन आज गोरखपुर को 233.20 करोड़ रुपए की सौगात देंगे, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नगर निगम के 189 विकास कार्यों का शिलान्यास और 114 कार्यों का लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लिखा गीत गर्बो रिलीज हो गया है। गुजरात की संस्कृति को दिखाते इस गाने को गायिका ध्वनि और भानुशाली ने अपनी आवाज दी है, जिसे काफी पसंद किया जा रहा है। यह गाना रिलीज होने के बाद से ही सोशल मीडिया पर छाया हुआ है और अभिनेत्री कंगना रनावत आदि इसकी प्रशंसा कर रहे हैं। ICC वनडे वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ भारत का अजय रथ जारी है, जहां वर्ल्ड कप 2023 में भारत ने पाकिस्तान को बड़ी शिकस्त दी है। इस मैच में भारतीय टीम ने 30.3 ओवरों में ही 7 विकेट से मैच जीत लिया। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के विष्णुपुरा थाना पुलिस तरिया सुजान और कोतवाली पडरौना की संयुक्त टीम ने गौ तस्कर के साथ मुठभेड़ में 2 तस्कर को गिरफ्तार किया, जिसमें से 1 को गोली लगी है। झारखंड के गिरिडीह जिला अंतर्गत तीसरी थाना क्षेत्र के व्यवसायी बंधु चंदन वर्णवाल और अंशु वर्णवाल हत्याकांड सहित 2 मामलों में फरार चल रहे टॉप 10 अपराधियों में शामिल वांछित को बिहार की जमुई पुलिस ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अपराधी का नाम दया रविदास है। राजधानी दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में आज रविवार को होने वाले इंग्लैंड और अफगानिस्तान के मैच के लिए मेडिकल टीम भेजने से लोकनायक अस्पताल ने इनकार कर दिया। अस्पताल के प्रशासन का आरोप है कि टीम के साथ स्टेडियम के स्टाफ का बर्ताव ठीक नहीं है। पंजाब के अमृतसर में स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल की टीम ने आतंकवादी संगठन लश्करे तैयबा के मॉड्यूल के 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया। इनका मकसद त्योहारों में आतंकी वारदात को अंजाम देना था। आतंकियों का नाम उजैर उल हक और रजा मोहम्मद अंधलीब है। हरियाणा पुलिस भर्ती परीक्षा के पैटर्न पर गृह मंत्री अनिल विज ने उठाया सवाल, कहा हरियाणा से जुड़े प्रश्न किए जाएं शामिल। उत्तराखंड में पहाड़ी की बेटियों के लिए मिसाल बनी उत्तराखंड की सृष्टि, फिल्म एक था गांव को मिला सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म पुरस्कार। झारखंड के राज्यपाल सह कुलाधिपति CP राधा कृष्णन ने विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय धनबाद के कुलपति प्रोफेसर सुखदेव भाई को पद से निष्कासित कर दिया है, जहां सुखदेव भाई के विरुद्ध अनियमितता के कई शिकायतें राजभवन में मिली थी। प्रियंका गांधी और कमलनाथ पर बरसे शिवराज सिंह चौहान, बोले हम आदिवासियों को समान और सम्मान दोनों दे रहे हैं। हिमाचल प्रदेश और लद्दाख में भारी बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है, जहां मौसम विभाग ने इसको लेकर चेतावनी दी है और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के चेयरमैन और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने कहा कि जब भी प्रदेश में चुनाव होंगे तो हमारी पार्टी उसके लिए तैयार है। उन्होंने आगे कहा कि पार्टी का एजेंडा और मिशन है लोगों को सामाजिक आर्थिक तौर पर सशक्त बनाना।
सुप्रीम कोर्ट ने बागी शिवसेना विधायकों की योग्यता याचिका पर निर्णय लेने में देरी को लेकर विधानसभा अध्यक्ष नार्वेकर को फटकार लगाई तो शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय रावत ने कहा कि स्पीकर ऐसे काम कर रहे हैं जैसे कोई किसी हत्यारे को शरण दे रहे हों ताकि उसे ऐसे और अपराध करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। अजमेर जिला पुलिस ने खोरा गणेश मार्ग किशनगढ़ स्थित इंडियन बैंक ब्रांच में लूट की वारदात का पर्दाफाश किया है और दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। दोनों ही आरोपी प्रेम सिंह और कमलेश मात्र 26 और 27 साल का है और कर्ज में डूबा था। साथ ही दोनों अजमेर का ही रहने वाला है। सोनभद्र के शक्तिनगर ननिहाल से वापस अपने घर लौट रहे बाइक सवार युवक की डीजल टैंकर की चपेट में आने से मौत हो गई। घटना ननिहाल से कुछ ही दूर पर होने की वजह से परिजनों ने मौके पर ग्रामीणों के साथ पहुंचकर मुआवजे की मांग करते हुए तकरीबन 2 घंटे तक मुख्य सड़क को जाम किया, जिसके बाद पुलिस प्रशासन द्वारा काफी समझाने के बाद सबको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। महुआ जिला की तहसील चरखारी से चौंकाने वाली वारदात सामने आई है। यहां ग्राम पंचायत सूपा में सहकारी समिति के द्वारा खाद वितरण किया जा रहा है, जहां किसान अपनी लाइन में खड़े हुए और महिलाएं भी खाद लेने को खड़ी थी। इसी दौरान सावित्री देवी अहिरवार जब खाद ले रही थी उसी वक्त क्षेत्रीय लेखपाल उमेश सोनकर आ गए और उन्होंने महिला को धक्का दिया, जिससे सावित्री देवी करीब 6-7 फीट नीचे जा गिरी और उसके हाथ में फ्रैक्चर आ गया और हल्की फुल्की चोट भी आई है। अब लेखपाल की इस करतूत को लेकर किसानों में आक्रोश है और लोग कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। दोस्तों, मैं देख पा रहा हूं कि आप में से बहुत सारे लोगों ने न्यूज़ को लाइक किया है और कमेंट भी किया है, लेकिन अभी भी बहुत लोग बाकी हैं जिन्होंने न्यूज़ को लाइक और कमेंट नहीं किया है। उनसे भी आग्रह है कि प्लीज़ 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 वे भी न्यूज़ को लाइक और कमेंट कर दें, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से हमारा उत्साह बढ़ता है और हम लोग उत्साहित होकर न्यूज़ एकत्रित करने में लग जाते हैं। अब बारी है कल के न्यूज़ पर कमेंट करने वाले लोगों के नामों की। उनके नाम है सुनील कुमार पाथीपाका, ईश्वरदीन विश्वकर्मा, मेदीलाल मौर्य, केशव चंद तिवारी, गौतम महतो, नवरत्न सिंह, पुरुषोत्तम पांडे, परशुराम, शिवाजी पटेल, भारत सिंह, यूजर TS3, विजय सक्सेना, अशोक परमार, विपिन कुमार सिंह, अंसारी रसीद, विनोद तिवारी, बवन यादव, दिलीप मिश्रा, दीनाबंधु कलसाई, चंद्रजीत, रवि दत्त, खेम होम थापा, संतोष कुमार साह, प्रयास यादव, सुनील पांडे, बंटी हजारिका, सीताराम खां, महादेव शर्मा, करुणा चक्रवर्ती, संतोष भटनागर, सुल्तान अंसारी, अशोक आर्या, अरुण दांगे, प्रवीण कलिता, आराधना अहुजा, सत्येंद्र साह, काजल कुमार गांगली, शिल्पी बेग बैनर्जी, कमल साहू, सलाउद्दीन शेख, विजेंद्र साह, अयोध्या प्रसाद राठौर, सतीश चौबे, नासिर उद्दीन, राजेश रॉय, रक्षा आर्या, रामअवतार साफी, मुकेश चौहान, प्रहलाद पंडित, रणधीर सिंह, सुधीर कुमार मिश्रा, कैलाश जाट और प्रवीण कुमार। तो ये थी आज की ताजा तरीन खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सकें अपडेट।